हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको 1160 पदों पर जो सहायक लेखाकार, सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखाकार निरीक्षक की जो वैकेंसी हुई थी, फाइनल इंटरव्यू जिसका हो गया है, उसका जिसका इंटरव्यू के बाद परिणाम रुका हुआ था, तो आयोग ने इन पदों पर जो फाइनल रिजल्ट अगस्त में घोषित करने का निर्णय लिया है। ये वैकेंसी 2016 की वैकेंसी है, इसमें इम्तिहान और इंटरव्यू होने के बाद परिणाम अंतिम रुका हुआ है। तो इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस जारी किया हुआ है, चलिए आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। तो नोटिस में लिखा है कि 1160 पदों पर भर्ती की बाट जो रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। 2016 में निकाली गई सम्मिलित सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा में इम्तिहान और इंटरव्यू के बाद रुका परीक्षा फल अगस्त में ही जारी किया जाएगा। दरअसल इन भर्तियों का अलग अलग जगह से रोक लगी का रास्ता साफ हो गया है और अधीनस्थ से आज आयोग इनका परिणाम निकालने की तैयारी में है। इन भर्तियों में मान्यता प्राप्त संचालन में ओ लेवल की अर्हता मांगी गई थी, लेकिन इसी बीच लोगों को आपत्ति कर दी गई कि पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लीकेशन पीजी और ओ लेवल सर्टिफिकेट की योग्यता है, लिहाजा वो भी पात्र हैं। अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। इसी बीच लिखित परीक्षा हुई, साक्षात्कार भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ योग्यता को ट्रेजरी द्वारा एक दूसरा अध्याचन भेजा गया, इस वजह से इम्तिहान और इंटरव्यू के बाद परिणाम रोकने पड़े। अब हाल ही में दोनों मामले खत्म हो गए हैं। और इलाहाबाद कोर्ट में चल रहा मामला भी खत्म हो गया है। कोर्ट के 30 सदस्यीय बेंच ने साफ कर दिया कि वो लेवल डिप्लोमा और डिग्री माने नहीं है। इसके अलावा यह भी मानना उचित नहीं होगा कि पीजीडीसी में वह सब कुछ है जो वो लेवल डिप्लोमा में होता है, लिहाजा वो लेवल डिप्लोमा जहाँ पर अर्हता है वहाँ पीजीडीसीए किए हुए भर्तियों की दावेदारी स्वीकार नहीं किया सकती है। यह आदेश बालकृष्ण नारायण, रमेश सिंह, पंकज भाटिया की पीठ से आया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि नौकरी देने वाला ही योग्यता का चयन कर सकता है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह नौकरी के लिए योग्यता का चुनाव कर सकता है, लिहाजा अब यह दोनों अड़चने समाप्त होने के बाद 2016 से नौकरी पाने की उम्मीद रखने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलती दिख रही है। इस संबंध में देखिए करुण सिंघा ने यह जवाब दिया है, परीक्षा परिणाम जारी करने में जो अड़चने थी वो अब समाप्त हो गई हैं, अगस्त में इनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इस वैकेंसी में 2016 में वैकेंसी निकाली गई थी, 2016 में लिखित परीक्षा हुई थी, 2018 में इंटरव्यू हुआ था। इसमें आप देखिए जो पद हैं, निदेशक अंतरिम लेखा परीक्षा विभाग है, सहायक लेखाकार के 1901 पद हैं, सहायक लेखाकार के 4, लेखा परीक्षक के 241, लेखा परीक्षक 14 पोस्ट पर है। तो कुल मिलाकर के जो सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 2160 पदों पर वैकेंसी का जो अंतिम परिणाम था वह आयोग द्वारा अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक जरूर करिए। थैंक यू।